ओके तो हेलो एवरीवन, अभिलानी मार्केट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो आज की इस वीडियो में निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करके बताने वाला हूँ कि आज की ट्रेडिंग में अपन क्या क्या लेवल्स इंपॉर्टेंस लेवल है जो अपन हम माइंड में रख सकते हैं। प्रीवियस डे हमने डिस्कस किया था फ्रेंड, प्रीवियस डे की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अगर मार्केट स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुआ तब जाके अपन सेल पोजिशन बना सकते हैं, अदरवाइज मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा, अरेंजिंग मार्केट होगा। ज्यादातर मार्केट क्या है, तो आप देखेंगे स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट हुआ, ओके प्रीवियस डे थर्सडे को स्ट्रॉन्ग सेलिंग स्टार्ट हुआ एंड यह क्या सेलिंग खत्म हो गया, उसके बाद क्या हुआ मार्केट ओवरऑल यह क्या रेंज हो गया है, करेक्ट। तो अभी यह प्रिडिक्शन में आपको फिर से बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या चांसेस है कि मार्केट को क्या होना चाहिए अगर गैप अप ओपन होता है। ध्यान समझिएगा, मैं डेली पर लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पर डिटेल करता हूँ। अगर मार्केट 17,000, ओके 17,300 के ऊपर खुलता है, ध्यान दीजिएगा 17,300 के ऊपर खुलता है एंड प्राइस खुलने के बाद डाउन आता है, ध्यान दीजिएगा प्राइस खुलने के बाद डाउन आता है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बाय पोजीशन ही बनाइएगा, सेल पोजीशन, क्योंकि सेलिंग के लिए जो था जब तक स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं इंटर तब तक सेल पोजीशन मत नहीं, क्योंकि मार्केट ज्यादा रिवर्स होगा। ओके प्रीवियस डे भी रिवर्स हुआ, जो रेंजिंग हुआ है तो आज भी रिवर्स होने क्या होगा कि मार्केट अप ट्रेंड के लिए मूव करेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या होगा कि 17,300 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है इसके ऊपर एंड प्राइस डाउन आता है तो जस्ट वेट कीजिएगा, अगर स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं है, अगर स्ट्रॉन्ग सेलर्स इंटर हो रहे हैं तो सेल पोजीशन बना सकते हैं फ्रेंड्स, अगर से स्ट्रॉन्ग सेलर्स नहीं इंटर हो रहे हैं, ऑलरेडी मार्केट रेंज में है एंड प्लस ये इनगुल्फिंग पे है, तो प्राइस क्या होगा रिवर्स होगा डेफिनेटली। थोड़ा सा मार्केट डाउन होने के बाद क्या होगा रिवर्स होने का पूरा चांस मुझे लग रहा है। एंड मैं H1 पे बताता हूँ कि H1 पे क्या सीनरी है। H1 पे देखेंगे कि ये हमारा पैटर्न टाइप बना हुआ है एंड अगर मैं 30 मिनट पे करता हूँ तो आपको क्लियरली आपको यहाँ पर समझ जाएगा फ्रेंड कि आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली हियर क्या है चार्ट पैटर्न, ओके क्लियरली क्या है यार चार्ट पैटर्न। एंड उसके बाद ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर मार्केट गैप ओपन नहीं होता है, फॉर एग्जाम्पल यहीं पर 17,200 के 17,250 या 17,200 के आसपास ओपन होता है तो प्राइस क्या होगा रिवर्स ऐसे ऊपर कंटिन्यू जाएगा, तो आप पोजिशन बना सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग बायर्स इंटर होना चाहिए। एंड उसके बाद क्या करते हैं अगर स्ट्रॉन्ग बायर्स नहीं इंटर होता है, जैसे बायर्स सेलर बायर्स से इंटर होता है, तो जस्ट वेट कीजिएगा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल एंड प्लस सप्लाई एंड डिमांड, यानी स्ट्रॉन्ग डिमांड जैसे रेजिस्टेंस लेवल, जैसे स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन लेवल एंड अगेन हियर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन एंड हियर रिवर्सल साइड, तो 17,250 17,200 से प्राइस क्या होगा रिवर्स होने का चांसेस है। बट मार्केट क्या होना चाहिए, सबसे पहले मार्केट बुलिश होना चाहिए फिर रिवर्स होनी चाहिए, यानी बुलिश होने के बाद बेरिश होगा उसके बाद ही मार्केट रिवर्स होगा अप ट्रेंड के लिए, ठीक है। तो दोस्त ये दो पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, गैप ओपन के लिए और गैप डाउन। अब गैप डाउन ओपन के लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर फ्रेंड्स गैप डाउन ओपन होता है तो मैं H1 पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अगर गैप डाउन होता है तो ये वाला जो पॉइंट है ये वाला 17,100 के आसपास, यानी दिस इज डिमांड जो लेवल एंड दिस इज लो एरिया, ओके एंड हियर क्या है ब्रेकआउट यानी लोअर हाई ब्रेकआउट एंड ट्रेंड चेंज एंड स्ट्रॉन्ग सेलर सेंटर, अगेन हियर प्राइस क्या है बाउंस हुआ, तो इसका मतलब क्या है दिस इज बायर्स एरिया, ओके दिस इज बायर्स एरिया। तो प्राइस अगर गैप अप डाउन ओपन होता है थोड़ा सा ऊपर जाने का, थोड़ा डाउन आने के बाद क्या होगा अगेन रिवर्स होगा, यानी डाउन आया फिर रिवर्स हुआ अगेन गोइंग अप, ओके कंटिन्यू मार्केट क्या हो जाएगा इस एरिया से कहीं ना कहीं इस डिमांड जोन एरिया से कहीं कहीं प्राइस क्या होगा गोइंग अप ट्रेंड जाने के पूरे चांसेस है, यानी ये जो हमारे लिए लेवल्स है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब भी गैप डाउन ओपन होता है तो प्राइस को यहाँ पर पुल बैक होने दीजिए, पुल बैक होने के बाद आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं फ्रेंड, ओके। एंड मैं बैंक निफ्टी का आपको बताता हूँ कि बैंक निफ्टी में क्या है सेम सीनेरियो है। तो बैंक निफ्टी में अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन ओपन होता है तो क्या क्या हो सकता है, इसी से एक चैनल पैटर्न एंड मार्केट क्या है यार कंटिन्यूअस ड्रॉप। अब इम्पोर्टेंस नहीं है कि मार्केट कंटिन्यू ड्रॉप हुआ तो चैनल पैटर्न क्या होगा डाउन ट्रेंड होगा, ऐसा नहीं फ्रेंड, आपको नोटिस करना है दिस लेवल को। अगर मार्केट इस लेवल के पास आता है यानी 36,200 के आसपास अगर मार्केट आता है, करेक्ट, एंड मार्केट अगर यहीं से कहीं से बाएं ओपन होता है गैप डाउन, ओपन होने के बाद कंटिन्यूस यह ड्रॉप होता है तो रिवर्स होगा मार्केट, यहाँ से भी बुलिश हो सकता है, ओके बुलिश होने के पूरे चांसेस है। एंड अगर फ्रेंड्स अगर यहाँ पर अगर मार्केट ये रिवर्स हुआ अप ट्रेंड के लिए, यानी मार्केट ओपन हुआ एंड मार्केट अप ट्रेंड के लिए गया, तो ये वाला जो हमारे लिए पॉइंट्स है दिस लेवल यानी दिस एरिया ये सेलर्स एरिया एंड ये बायर्स एरिया, जैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल, तो प्राइस ऊपर जाने के बाद क्या होगा यहाँ पर
ऊपर जाने प्राइस थोड़ा डाउन आएगा तो अगेन ये ऊपर चला गया, वो डाउन नहीं आएगा फ्रेंड। अगर मार्केट गैप ओपन होता है और ऊपर ही जाता है तो ऊपर ही जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपको 36,800, 36,700 को आपको यहाँ पर कॉल को आपको देखना होगा। ओके दोस्तों, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं 30 मिनट में बताता हूँ क्लियरली, ये 30 मिनट पे आपको जो मैं लेवल से बता रहा हूँ कि प्राइस अगर इस लेवल पे हिट करता है, यानी दिस इज लेवल, ओके 37,300, आई थिंक 37,300, 37,200 के प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद प्राइस यार गोइंग अप जाता है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेलर होगा। ओके, प्राइस ब्रेकआउट करने पुल बैक होगा एंड गोइंग अप ट्रेंड जाएगा, ये ध्यान दीजिए। यहाँ पर सेल पोजिशन बंद रहेगा क्योंकि शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस क्या होगा, ड्रॉप होगा, अगेन क्या होगा वो अप ट्रेंड ही मूव करेगा अगर मार्केट बुलिश ओपन हुआ। अगर गैप डाउन हो तो ओपन होता है एंड प्राइस डाउन जाता है, तब जाके आप यहाँ पर पुल बैक पे ही बाय पोजिशन बन सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर क्या है सेल पोजिशन ही बनेगा, यानी 36,400, 36,300 के आसपास। ओके, आई होप फ्रेंड्स आपका ये प्रिडिक्शन आपको समझ में आ गया होगा, एंड एवरी डे पॉसिबल मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड मॉर्निंग में इवनिंग पे। मैं अभी बाहर हूँ तो इसकी वजह से मैं थोड़ा मॉर्निंग में कर सकता हूँ वीडियो, जब तक मैं बाहर हूँ अभी 4-5 दिन में अभी बाहर हूँ, तो मैं मॉर्निंग के लिए आपको वीडियो यहाँ पर शूट करता रहूँगा, एंड उसके बाद हम जब वापस आ जाएंगे फ्रेंड्स, तो इवनिंग के लिए आपको वीडियो मिलता रहेगा। ओके, थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को वॉच करने के लिए, एंड लेवल्स को इंपॉर्टेंस लेवल को आप ध्यान रखिएगा, जब भी मार्केट में आप इंटर ले रहे हैं तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।